हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की आज आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने राज्य के कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की है और जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी पहली जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 15 मई 2003 से नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 साल करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जलवाहकों आदि के संबंध में नियमितीकरण दैनिक वेतनभोगी के रूप में रूपांतरण के लिए भी 1-1 वर्ष की अवधि कम की जाएगी। उन्होंने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। ये समिति आगामी मंत्रिमंडल बैठक में अपनी प्रस्तुति देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को अब पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा चुनी गई पेंशन निधि में ही निवेश अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को डीसीआरजी लाभ प्रदान किया जा रहा है और अब सरकार ने 15 मई 2003 से 22 सितंबर 2017 तक इस लाभ से वंचित एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कर्मचारियों की परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही हिमाचल आज देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। डिटेल बात कही है वो मैंने बता दिया है कि 1-1-2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे और जनवरी 2022 का संशोधित फरवरी की सैलरी में मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उस एग्जामिन कर रहे हैं सारे इश्यूज को लेकर के रास्ता। तो अभी तक तो कट ऑफ डेट हमने इसमें 30-9 हाँ जी 30 सितंबर जी जी देखूंगा भला, लेकिन मेरा कहने का मतलब उसमें इतना ही है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या रास्ता निकल, मैं उसकी जजमेंट जो निर्णय हुआ है जो कोर्ट से आया उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे और दोनों पक्षों को सुन लेंगे। हमारी मंशा है कि मदद हो और मदद का अच्छा रास्ता निकल। हमने 2005-2009 की जो हमारी इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन जो है वो दिनांक 15-5-2003 से देने के मैंने घोषणा की है और जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा था एनपीएस का, बहुत बड़ा लंबे समय से चला हुआ था। ये सारे मामले को लेकर के जो अभी अभी जेसीसी की बैठक में चर्चा होगी, पुलिस कर्मी लगातार मांग कर रहे हैं कि 8 साल से उनका वो अलग से है, वो भी चर्चा में है, वो डिस्कस। देखिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश में रहती है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में गति देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कर्मचारियों के सहयोग के लिए ये सरकार है
और निश्चित रूप से लंबे समय से मांग थी कि हमारे इस कर्मचारी महासंघ का गठन होना चाहिए, जेसीसी की बैठक होनी चाहिए, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको सुनना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो आज जेसीसी की बैठक हमारे ये पहली बार बैठक हो रही है और कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद, उस सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने जेसीसी की बैठक में कुछ बातों का जिक्र किया है जिसकी डिटेल आपको सारी मिल जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीज़ें भी उसमें हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत हमने सरकार में आने के पश्चात जो है, जो उनके बड़े इश्यूज थे, मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने अब शुरुआत की है और निश्चित रूप से इसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को जो मैंने आज घोषणा की है उसके माध्यम से प्राप्त होंगे। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया है और कर्मचारियों ने अविलंब अपने सभी देय लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी प्रदेश सरकार ने कई अन्य राज्यों के विपरीत ये सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को उनका वेतन और बकाया समय पर मिले। एनजीओ फेडरेशन के महासचिव राजेश शर्मा ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री आम आदमी की कठिनाइयों से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि कर्मचारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। सबसे पहले मैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हिमाचल सरकार के अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ कि आज की जो जेसीसी की बैठक है, 1979 से आप जितनी कर प्रोसीडिंग आप देखेंगे तो इतनी मांगे जो आज पूरी हुई, आज तक के इतिहास में न भूतों न भविष्यति, आज तक ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। जहाँ तक मांगों का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने 11 मांगों की घोषणा की है, इंप्लीमेंट करने के लिए कहा हुआ है। 11 के अलावा 2 मांगे हमारे सीनियर स्टैंड की, ट्राइबल लॉन्स की और आउटसोर्स कर्मचारियों की, ये पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा 4 डिमांडें और यहाँ मंच पर मुख्यमंत्री ने उसमें प्रिंसिपली उसको एग्री किया हुआ है। तो ये डिमांडें जो मुख्य रूप से जो हैं, उसमें 6ठा वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं जो 1/16 से लागू होना है, वो जनवरी जो 1/16 से ड्यू था, वो 1 जनवरी की जो सैलरी है उसके साथ हमें नए वेतन आयोग उसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का, वर्षों से हमारे कर्मचारी घूम रहे थे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम करें, तो आज इस जेसीसी के ऐतिहासिक मंच पर मुख्यमंत्री महोदय ने इनका जो 3 साल का जो सेवाकाल है उसको 2 वर्ष किया हुआ है। इसके अलावा पेंशन का बहुत बड़ा इशू है, एनपीएस के कर्मचारी जो हमारे जिनकी डेथ हो चुकी थी, डिसेबल्ड हो चुके थे, उनकी पेंशन देने की बात की है, उसमें लगभग 2,500 के करीब कर्मचारी ये इसमें, जिनको कर्मचारियों के परिवारों को जो सड़कों पर थे, जिनको नौकरी थी ना पेंशन थी, उनको उसका लाभ मिलेगा। उसमें कुछ 300 करोड़ के करीब उसका जो सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ पड़ेगा। और उसके अलावा हमने सबसे कमजोर वर्ग जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो सबसे नीचे का वर्ग है, उसमें हमारे डेली वेजेस कर्मचारी हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष कम हुआ है। हमारे पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, पार्ट टाइम वाटर कैरियर है, जल विभाग में पटवार, जो पटवारी रेवेन्यू चौकीदार लगे हुए हैं, उनका 1-1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कम हुआ है। उसके बाद GOIT की एक विसंगति चली हुई थी, GOIT और क्लर्क की जो वेतन विसंगति थी, क्योंकि उसमें कुछ हायर स्केल रखा हुआ था, तो निकट भविष्य में जो वेतन क्लर्क को मिलेगा वही वेतन GOIT को मिलेगा। आने वाले समय में बजट आ रहा है, कुछ मांगे उसमें बजट में मनवाएंगे, उसके बाद दोबारा JCC करेंगे। लेकिन आज की जो JCC हुई उसमें पहली बार 7,500 करोड़ के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को दिए हैं, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं। और भविष्य में भी अब कर्मचारी के जो दूसरे बाकी इशूज बचे हैं उसको हम निपटाएंगे, मीटिंगों के बगैर हम निपटाएंगे।
राज्य सरकार ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं कर्मचारियों के पक्ष में, आज सबके सामने हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, क्या ऐलान हुए हैं जिन से आप छठे वेतन योग की सिफारिशें हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेड है, दैनिक वेतन भोगी है, जो पार्ट टाइम विभिन्न विभागों में उसके 12 से हर श्रेणी को एक एक साल जो उनका पीरियड घटाया है, बाकी एग्जैक्ट में तभी कह पाऊंगा जब चिट्ठी आएगी सामने। पर इतने दूसरे जियो जो सबसे बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा जियो का, उन पे राइडर 8 साल का लगा था, वो भी एड पार क्लर्क लाए, और जो हमारा अभी कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें जो सीनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी 10 साल होती थी 7 साल की है, तो उसमें जो हमारा स्टेनोटाइपिस्ट है उनको भी उसमें इंक्लूड किया है। तो बहुत सारे करुणामूलक का इशू है, तो ये निर्णय 2-4 दिन में आने हैं, नोटिफिकेशन कल तक क्लियर आनी है। पहले जो निर्णय JCC में हुए, आप पूर्व में देखिए, इतने बहुत निर्णय हुए हैं, मुझे अभी खुद ही ध्यान नहीं है, शाम तक हम करेंगे लिस्ट चेक करेंगे कि कितने आए हैं, और इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारी सबके धन्यवाद। जो इशू मुख्यमंत्री लेवल के थे, जो अनाउंसमेंट हुई थी, वो मैक्सिमम यहीं पे हो गए, 1-2 इशू बच्चे हैं, बाकी जो CS महोदय की अध्यक्षता में हुआ वार्तालाप, वो AD स्तर की है, विभागीय स्तर की है, उसको फाइलों में प्रोसेस चलेगा, और हम उसमें आश्वस्त है, मैक्सिमम जो फाइलें हैं उसमें हम खुद मेहनत करेंगे और उसमें मैक्सिमम चीजों का समायोजन होगा। हमने जब नोटिफिकेशन होनी है 2-4 दिन में होनी है या हफ्ता भर में जब भी होगी, उसमें हम वार्तालाप करेंगे, हमें बुलाएगा वार्तालाप के लिए, हमें बुलाया जाएगा। तो हमने आग्रह किया है कि 3 किश्तों में किया जाए, पंजाब ने 10 किया, हमें 3 किश्तों में दिया जाए, पर ये वार्तालाप होगा, फिर उसके बाद जो बोलेंगे सरकार वो हम कर्मचारियों के बीच में सार्वजनिक करेंगे। बिल्कुल आश्वस्त रहे, जो ऑन फाइल चला हुआ काम हम बिल्कुल उस पर आश्वस्त है, हम मेहनत करेंगे और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हम हर इशू का लगभग समाधान करेंगे। घोषणा हुई ये विद इन 1 मंथ या 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मांगे तो खत्म नहीं होगी, ये तो चली रहेगी और हम प्रयास करते रहेंगे कि इनका समाधान होता रहे भविष्य में। सभी को नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात देने का फैसला किया है, जिसमें आज JCC की बैठक में बहुत क्रांतिकारी फैसले हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए जो वेतन आयोग है उसे 1/1/2016 से शुरू लागू करने का फैसला किया है, जिसे 1 जनवरी 2022 से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी को दिया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता है। दूसरा फैसला जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है, उसमें अनुबंध जो काल था उसे 3 वर्ष से घटा के 2 वर्ष कर दिया गया है। और तीसरा फैसला जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो हमारे ओल्ड NPS के लिए जो पेंशन की घोषणा थी, जिसको 2009 से पहले जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको लागू करने का फैसला, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय महेंद्र कपूर जी, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी है, उनकी अध्यक्षता में हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर से मिला और उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो अध्यापकों की समस्या है उसको उसे उन उन, उन समस्याओं से भी अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा CS जो हमारे मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि हम हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के साथ एक बैठक करें और उन समस्याओं के साथ जो अभी 2 तारीख को हाई पावर कमेटी है उस बैठक में इन फैसलों का निर्णय लें। उसके बाद हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की एक बैठक जो है शिक्षा मंत्री के साथ भी हुई और शिक्षा मंत्री ने भी उन समस्याओं को हल करने का हमें आश्वासन दिया है, जिन समस्याओं के लेके काफ़ी समय से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह कर रहे थे, जिसमें हमारा SMC से संबंधित मामला है, आपका भाषा और संस्कृत अध्यापक की TSD का दर्जा है
और जिस तमाम शिक्षकों की समस्याओं को लेके हम 2 तारीख को होने वाली जो एक हाई पावर कमेटी की बैठक है उसमें चर्चा करने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि कुछ अखबारों में कुछ मीडिया में कुछ कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो संगठन है वो बार बार कह रहे थे कि ये तो हमारा अधिकार है। तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जब पिछली सरकार में आप पूरे 5 साल में एक बार JCC हुई और जिस उस JCC में माननीय उस तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय भाग गए थे और एक DA की किश्ता को पकड़ा दी थी, इस 4 साल में विचारधारा वाले जो संगठन है वो बार बार कह रहे थे कि ये तो हमारा अधिकार है। तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जब पिछली सरकार में आप पूरे 5 साल में एक बार JCC हुई और जिस उस JCC में माननीय उस तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय भाग गए थे और एक DA की किश्ता को पकड़ा दी थी, इस 4 साल में अभी जो JCC आज हुई है उस JCC में जो निर्णय लिए गए बहुत ऐतिहासिक निर्णय हैं और ये 4 साल इसलिए JCC हुई है क्योंकि 2 साल तो आप कोविड में चला गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो क्रम प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत ही सौगात लेके आए हैं और मैं यहाँ इसलिए भी ध्यान देना धन्यवाद करना चाहूँगा, जब जब भी प्रदेश में पे कमीशन लागू हुआ है तो वो अब आप देखिए 2016 का पे कमीशन जो है 2021 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना पड़ रहा है, 2006 का पे कमीशन भी 2016 में जब हमें लागू होना था वो तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी द्वारा दिया गया है। तो कुछ संगठन अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ उनका भरपूर विरोध करता है और उन्हें चैलेंज करता है कि आप ऐसे कार्य जो आपने पिछले 5 साल में जब आप पिछली सरकार की गोदी में आप बैठे होते थे ऐसे कौन से कार्य आपने पिछले 5 साल में करवाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस 5 साल में जितना विकास खासकर कर्मचारियों के हित का हुआ है वो कभी देखने को नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश की आर्थिक हालात ठीक ना होने के बावजूद भी प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक सौगात लेके जो आज फैसला लिया है, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करता है और सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करता है कि अभी 2 तारीख को प्रदेश के शिक्षक बंधुओं की जितनी भी समस्याओं को लेकर एक हाई पावर कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें मुख्य सचिव के साथ साथ जो माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होगी उस बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा, गौर किया जाएगा। मैं इस प्रेस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।